हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक और नए वीडियो लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, ऐसा कहा जाता है, आज हम बात करेंगे इट इज स्टैटिक डाटा। ऐसा कहा जाता है या फिर ऐसा माना जाता है, इट इज स्टैटिक डाटा कहा जाता है या फिर ऐसा माना जाता है। अक्सर हम बोलते हैं या फिर आपने सुना भी होगा, ऐसा कहा जाता है कि गंगा एक होली रिवर है। ऐसा कहा जाता है कि वो वहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वो डरावनी जगह है। ऐसा माना जाता है, पर ऐसा कहा जाता है कि जैसे करोगे वैसे ही आपको भरना पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, तो ऐसा कहा जाता है। तो इसका यूज करेंगे हम इट इज स्टैटिक डाटा, ऐसा कहा जाता है या फिर ऐसा माना जाता है। तो इसको किस तरह यूज करते हैं इसका हम एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए इसको किस तरह यूज किया जाता है। विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके फ्रेंड्स, तो चलो इसका फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। पहला एग्जांपल है कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऐसा कहा जाता है प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट होता है, जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना परफेक्ट होगा, जितना प्रयास करेगा, जितना उसका अभ्यास करेगा, जिसको उसको रोज करेगा, बार बार करेगा, उससे वो परफेक्ट होगा। ऐसे कहा जाता है, हम भी सुनते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यहाँ पे आप सुनते हो कोई भी आपका मोटिवेशनल स्पीकर होगा या कोई भी चीज आप सीखते हो तो उसमें भी यही अधिकतर टीचर्स यही बोलते हैं कि प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट कहा जाता है। तो इट इज स्टैटिक बोलना है आपको, इट इज स्टैटिक। तो इट इज स्टैटिक दैट, इसके बाद प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहा जाता है कि प्रैक्टिस से लोग आदमी कोई भी परफेक्ट बन जाता है। तो इट इज स्टेटेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, बताया जाता है फिर ऐसे बोलते बताया जाता है कहा जाता है। इंग्लिश बहुत जरूरी है, आपको अक्सर बोला जाता है कि लोगों को बताया जाता है कहा जाता है कि इंग्लिश बहुत जरूरी है। तो इट इज स्टेटेड स्टैटिक दैट इंग्लिश इज मस्ट। इट इज स्टैटिक दैट इंग्लिश इज मस्ट कहा जाता है, सुनते भी हम कहा जाता है, बोला जाता है, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है इंग्लिश इज मस्ट। इट इज स्टैटिक दैट इंग्लिश इज मस्ट कहा जाता है, कहना सरल है करने से। कहा कहते ना लोग, कहते तो हो आप, लेकिन कहना सरल होता है लेकिन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत टफ होता है। तो कहा जाता है, तो इट इज स्टेटिंग दैट Easier said than, कि कहा जाता है कि कहना बहुत सरल है करना बहुत कठिन है। It is stated that easier said than done. Easier said कहा जाता है, लोग अब कहते हैं कहा जाता है कि कहना सरल है करना बहुत कठिन है। It is stated that easier said than done. कहा जाता है जैसी करोगे वैसा भरोगे, कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। तो इट इज स्टेटेड दैट
कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि जैसी करनी वैसी बननी। दिस स्टडी दैट एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसी करोगे वैसी भरोगे। सो फ्रेंड्स इस तरह हम इट इज स्टडी दैट का यूज करते हैं। आप सब इस तरह बोल सकते हो ऐसा कहा जाता है कि वो वहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि गंगा एक होली रिवर है, ऐसा कहा जाता है कि कुतुब मीनार एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो इस तरह हम इट इज स्टेटेड का दैट यूज करते हैं। सो काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, आप भी इसको यूज करिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए। सो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास, मिलते हैं एक और नए वीडियो लेक्चर में।